नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीय मानक ब्यूरो की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मानक ब्यूरो की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है भारतीय मानक ब्यूरो में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आता है दोस्तों और इसको बोला जाता है कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। इसको इंग्लिश में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात है तो इसमें एज लिमिट है 27 साल, 30 साल तथा 35 साल पोजीशन वाइज। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो एज रिलैक्सेशन है इस पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊँगा। टोटल वैकेंसी दोस्तों 171 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात हो तो सैलरी आपको इस पर रूल दिया जाएगा दोस्तों। इस भर्ती में 500 रुपये से लेकर 800 रुपये फीस है। जहाँ तक इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की बात है दोस्तों तो इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें वेरियस सेंटर हैं ऑल इंडिया में और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और कुछ पोजिशन के लिए इंटरव्यू भी होगा दोस्तों। जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना दोस्तों। इसकी लोकेशन है दिल्ली तथा ऑल इंडिया। आइए बात कर लेते हैं पद के बारे में यानी कि पोस्ट के बारे में। जहाँ तक पद की बात है तो इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड अदर्स की वैकेंसी है दोस्तों। दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है ऑल इंडिया बेसिस पे, इसमें टोटल 49 एग्जामिनेशन सेंटर हैं दोस्तों। इसका पूरा डिटेल आप पेज नंबर 8 से पढ़ लीजिएगा। और जहाँ तक दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात है इस भर्ती में तो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स तथा असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए दोस्तों 800 रुपये फीस है और ऑल अदर पोजिशन के लिए दोस्तों 500 रुपये फीस है। SC ST PWD तथा महिलाओं के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं है। इसका डिटेल भी आप पेज नंबर 14 से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्ट नंबर 1 का दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस, इसमें डिग्री मांगी गई है दोस्तों लॉ की और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोजिशन नंबर दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास इस पोजिशन के लिए। तीसरी पोजिशन का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। पोजीशन नंबर 4 है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कैंडिडेट बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। और पोजीशन नंबर 5 है दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी डिग्री मांगी गई है और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड का नॉलेज मांगा गया है दोस्तों। पोजीशन नंबर 6 दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इस पोजीशन के लिए भी दोस्तों क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है दोस्तों। 7वें नंबर की पोजीशन है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसमें दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास लाइब्रेरी साइंस का। और 8वीं पोजीशन है दोस्तों स्टेनोग्राफर, इसमें कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों 9th पोजीशन है सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए दोस्तों और पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए। 10वीं पोजीशन है दोस्तों जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड दोस्तों इंग्लिश की 35 वर्ड तथा हिंदी की 30 वर्ड होनी चाहिए। इसका भी डिटेल आप सामने पढ़ सकते हैं।
और दोस्तों इस भर्ती के लिए जहाँ तक एग्जामिनेशन पैटर्न की बात आए तो उसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 5 से पढ़ लीजिएगा। और जहाँ तक दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात है तो एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का तथा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। और बाकी इससे रिलेटेड रूल्स आप सामने पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के लिए आप 5 सितंबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 26 सितंबर 2020। जहाँ तक दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात आए तो इसकी डेट है 8 नवंबर 2020, संडे को दोस्तों आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल इस भर्ती का, और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।